हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे लौकी के कोफ्ते। लौकी कोफ्ता विद ग्रेवी। इसमें आप लौकी के कोफ्ते को स्नैक्स के रूप में भी खा सकते हैं और उसकी ग्रेवी बना के उसकी सब्जी भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें चाहिए ये कद्दूकस की हुई लौकी जो 1 कप है। अब हम इसमें डालेंगे बेसन। इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच बेसन। बेसन के साथ हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले, जैसे 1 चुटकी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, ये थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सौंफ पाउडर, थोड़ी सी अजवाइन। बेसन है तो अजवाइन डालना थोड़ा ज़रूरी है। और ये थोड़ी सी हींग, 1 चुटकी हींग। नमक हम इसमें नहीं डालेंगे, क्योंकि नमक डाल के जब हम इसके कोफ्ते बनाएंगे, फिर जब हम इन कोफ्तों को सब्जी में डालेंगे ना, तो सब्जी में दही डालने से फिर सब्जी फट जाएगी, इसलिए हम इनमें नमक नहीं डालेंगे। अब हम इसको मिक्स करेंगे और फिर इनको मिक्स करने के बाद हम इनको तेल में फ्राई करके इनके कोफ्ते बना लेंगे। तेल हमारा रखा है गर्म होने। अब हम इनके कोफ्ते बना लेते हैं। ये देखिए, इनको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। आप चाहें तो इनमें प्याज भी मिला सकते हैं, पर आज क्या है कि मैंने प्याज इनमें नहीं मिलाई है। आप हरी मिर्ची काट के भी मिला सकते हैं, हरी मिर्ची, प्याज, हरा धनिया, वो सब भी इसमें मिला सकते हैं। ठीक है, और आप ऐसे स्नैक्स के रूप में इनको खा रहे हैं तो आप इसमें नमक और मिला लें और ऐसे चाय के साथ आप मजे लें लौकी के कोफ्ते का। अब हम इनको हाथ से बनाएंगे इस तरह से। देखिए, इस तरह से हम इनको बना लेंगे। ऐसे बना के हम इनको तल लेंगे और फिर इनकी ग्रेवी बनाएंगे हम। देखिए, हमारे कोफ्ते बनकर तैयार है। हम इनको निकाल लेते हैं। अब इसी कढ़ाई में हम सब्जी बनाएंगे लौकी के कोफ्ते की। अब एक डिश में ही आप 2 डिश का मजा ले सकते हैं। पहले तो ये कोफ्ते आप चाय के साथ या सॉस और चटनी के साथ ऐसे स्नैक्स के रूप में खा सकते हैं, और दूसरा आप इसमें ग्रेवी बना के इसकी सब्जी बना सकते हैं। अब हम इस लौकी के कोफ्ते की सब्जी बनाते हैं। ये हमारे पास फ्राई कोफ्ते हैं और ये हमारे पास खट्टी छाछ है, या दही को मथ के हमने छाछ बना लिया है। और अब हम सबसे पहले ऑयल गरम करके उसमें हम पचफोरन डालेंगे। पचफोरन क्या होता है, जैसे जीरा, मेथी, राई, सौंफ और अजवाइन, उसको मिला के नमक डालेंगे, उसको पचफोरन बोलते हैं। ये हम तेज पत्ता डालेंगे, ये 4-5 काली मिर्च डालेंगे। ये सब तड़क जाएंगे तो हम इसमें हरी मिर्ची डालेंगे कटी हुई। हरी मिर्च तड़कने के बाद हम इसमें तले हुए कोफ्ते डाल देंगे और गैस बिल्कुल कम करके अब हम इसमें ये छाछ डाल देंगे और लगातार चलाते रहेंगे छाछ डालने के बाद, नहीं तो नहीं छाछ फट जाएगी। अब आप इस ग्रेवी को जितना पतला या गाढ़ा रखना चाहें उतना अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब
बस अब ठीक है, बस आप इसको लगातार चलाते रहें। अब हम इसमें मसाले डालेंगे, आधी चम्मच हल्दी, आधा चम्मच धनिया पाउडर, चौथाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। हींग हमने उफ़ में डाली दी थी, नमक हम बाद में डालेंगे नहीं तो हमारी सब्जी फट जाएगी। और अदरक भी डालेंगे हम कटी हुई, लेकिन हम अदरक सब्जी के उबलने के बाद डालेंगे। कभी कभी क्या होता है कि अदरक के साथ हमारी दही फट जाती है। अब हम इसको एक उबाल आने देंगे। हमारी सब्जी उबल रही है, अब हम इसमें ये कटी हुई अदरक डाल देंगे। आप अदरक काट के या कद्दूकस करके कैसे भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें नमक डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालें। चलाएं। इस सब्जी को ट्राई करने के बाद ना लौकी सबकी फेवरेट हो जाएगी। इसको आप चाहे तो आप स्नैक्स के रूप में खाएं या पराठे या रोटी के साथ सब्जी के रूप में खाएं। दिखा ना कितनी सुंदर लग रही है। अभी थोड़ी सी देर हम इसको और पकाएंगे, फिर ये तैयार होगी। तैयार है हमारी लौकी कोफ्ता विद ग्रेवी। लौकी की शानदार टेस्टी सब्जी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए आपको कैसी लगी।